आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये क्या होता है, इसको हम क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, उससे पहले हम अपना पिछला थोड़ा सा टॉपिक को रिवाइज करेंगे जिसके अंदर स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी भी एटम के अंदर से या किसी भी मटेरियल के अंदर से जो गैसेस फॉर्म में होता था हम निकलने वाली लाइट को डिटेक्टर में से गुजारते थे तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम जो है रिसीव होता था। स्पेक्ट्रम होता क्या है, जिसके अंदर आने वाली लाइट जो सी है वो डिस्पर्स हो जाती थी डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विद रिस्पेक्ट टू बोहर एटॉमिक मॉडल, विद रिस्पेक्ट टू दी बोहर एटॉमिक मॉडल के हवाले से हम स्टडी करेंगे कि बोहर ने जो चीज़ें बताई थी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या ओरिजिनली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में होती हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास किस तरीके से आता है, लेट वी सी क्या करते हैं। हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसको फिल कर देते हैं फिल विद हाइड्रोजन। अब जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को फिल कर दिया है एट लो प्रेशर तो क्या होगा कि हाइड्रोजन में से एक ब्लूइश लाइट जो सी है वो निकलेगी। ये जो ब्लूइश लाइट है इसको उठा के जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी करेंगे तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो किसका स्पेक्ट्रम होगा, दैट विल बी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वेरी शार्प लाइंस जो सी हैं वो मौजूद होंगी, सेवरल वेरी शार्प लाइंस जो सी हैं आपको उस स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर के रिजल्ट में, स्पेक्ट्रम में जो है वो नज़र आएंगी। दीज आर कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। वो लाइंस जो आपको स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर नज़र आती हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर, दोज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ होती है, बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस हर लाइन जो सी है वो निकलने वाली किसी ना किसी वेवलेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी वेवलेंथ किन किन रीजन्स में लाया करती है, उनकी वेवलेंथ जो है वो तीन रीजन में लाया करती है। नंबर वन इज अल्ट्रावायलेट रीजन, नंबर टू इज विजिबल रीजन जो कि आपकी वाइट लाइट वाला रीजन होता है, एंड नंबर थ्री इज इंफ्रारेड रीजन। ये सारे रीजन आप अपने पिछले टॉपिक में स्टडी करके आए हैं। तो हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ जो सी है दैट इज विद इन दीज थ्री रीजन्स। अब वो कहता है कि अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस को देखें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, स्पेक्ट्रल लाइंस जो सी होती हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज या फाइव जो सी हैं आप उनकी ग्रुप्स के अंदर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं जिनके नाम आपकी बुक में मेंशन है। नंबर वन इज लाइमन सीरीज, ये तमाम की तमाम जो सी हैं ये दे आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया। नंबर टू इज बामल सीरीज, नंबर थ्री इज पास्चन, नंबर फोर इज ब्रैकेट, एंड नंबर फाइव इज फंड सीरीज। ये जो से डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास आए हैं इनके नाम, ये पांच नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से जो सी लाइमन सीरीज है दैट
belongs to the ultraviolet region. Balmer series belongs to the visible region. And remaining three belongs to the infrared region. तो ये भी आपको जो है याद होने चाहिए. Normally objective type में question, short question आ जाता है कि name the different types of spectral lines of hydrogen atom and the region in which they belong. तो आपको उनके नाम और उनके region जो होते हैं वो याद होने चाहिए. यहाँ पर वो कहता है जी कि Bohr atomic model से पहले पहले जो होती हैं first four सीरीज जो सी थी लाइंस की दे वर डिस्कवर्ड. फोर सीरीज वाज डिस्कवर्ड बिफोर द बोहर मॉडल. बोहर के मॉडल से पहले पहले जो सी हैं ये चार जो सी हैं वो डिस्कवर हो गई थी. अब जहां पर हमने जो इसमें से फाइंड आउट करना है वो इसका वेव नंबर होगा जो कि आगे कैलकुलेशंस के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे. अब अगर आप इसको देखें कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस शो क्या कर रही हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो बता क्या रही हैं, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी अगर साइंस को स्टडी करें कि बोहर ने कहा क्या था. बोहर ने कहा था कि कोई भी एटम जो सा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, और किसके ऊपर रिवॉल्व करेगा, कौन से ऑर्बिट में उसने घूमना है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन इट्स एनर्जी. उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कौन से ऑर्बिट के अंदर जो है रिवॉल्व करना है. अब होता क्या है, हाइड्रोजन का जो एटम था, हाइड्रोजन गैस आपने ली, उसके एटम को जब आपने हीट अप किया तो क्या हुआ कि उसने एनर्जी को इनटेक किया, उसने उस एनर्जी को अपने अंदर जो सा है वो एब्जॉर्ब किया. जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर उसका न्यूक्लियस था तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करेगा हायर ऑर्बिट की तरफ एनर्जी को लेके. अब क्या किया आपने, इसको हीट अप कर दिया. ये इसकी एक्साइटेड स्टेट थी जिसमें वो चला गया. जब हीट एनर्जी लेगा लोअर शेल से जंप करके अपर शेल में चला जाएगा. अब क्या होगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो है अब वापस जंप करेगा. यहाँ पर ये एनर्जी लेकर जो है वो हायर ऑर्बिट्स में गया है. यहाँ पर क्या करेगा, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट. वो जो लाइट निकलेगी दैट गोज इनटू द स्पेक्ट्रोमीटर, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो रिसीव हुई हैं. तो असल में होता क्या है कि आप अपने हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं उनको हीट अप करते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उनका एटम जो सा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा. वही जब एक्साइटेड स्टेट से अपनी इस स्टेट में आएगा जिसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, मतलब नॉर्मल हालत में जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा कि वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, अब वही एनर्जी रिलीज करके वापस इस ऑर्बिट में आ जाएगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. उस लाइट को आप स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में तो आपके पास ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो सी हैं वो रिसीव होती हैं. तो दिस इज द साइंस ऑफ हाइड्रोजन. अब इसको अगर आप देखें तो दिस शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज. ये देखें, ये लाइमन सीरीज है, नंबर वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. अब हो क्या रहा है, लाइमन के केस में n इज इक्वल टू वन. ये वन, वन क्या है, ये जो चीजें आपको बता रहा है, दिस इज n, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट. इसका मतलब ये है कि लाइमन सीरीज का मतलब ये है कि लाइमन के अंदर n इज इक्वल टू वन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा
टू से आएगा तो ये वाली लाइन, उसकी एनर्जी कुछ और, थ्री से आएगा तो ये वाली लाइन, फोर से आएगा तो ये वाली लाइन, फाइव और सिक्स से आएगा तो ये वाली लाइन। जब भी मतलब फॉर इसका मतलब ये है कि अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये जो लाइन एनर्जी बताएगी वो एनर्जी होगी, थ्री से फर्स्ट में आएगा तो ये वाली लाइन, फोर से फर्स्ट में आएगा तो ये वाली लाइन। बाल्मर सीरीज में जो बेस है दैट इज इक्वल टू टू, ये मतलब अब जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड ऑर्बिट में आके गिरेगा तो जो एनर्जी आएगी दैट विल बी फ्रॉम बाल्मर सीरीज। अब अगर आप देखें तो दिस इज़ द यूवी रीजन लाइमन सीरीज का, यहाँ पे ये कलर्ड इसने बनाई हुई है, कलर्ड कलर्ड बनाने का मतलब है कि ये शो कर रहा है कि जो बाल्मर सीरीज है दे आर इन द विजिबल रेंज, आपके पास जो लाइनें हैं वो कलर्ड लाइन्स हैं विच शोज कि दे आर इन विजिबल रेंज। उसके ऊपर जाएं पास्टन सीरीज तो पास्टन सीरीज की रेफरेंस लाइन ये है, दिस वन, ये लाइन आप देखें तो दिस इज थ्री। तो जब भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो एनर्जी के लिए जो इक्वेशन आएगी या जो एनर्जी का डिफरेंस हमें पता चलेगा वो हमें पास्टन सीरीज बताएगी एंड दीज आर द एनर्जी डिफरेंसेस। तो ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बोहर एटॉमिक मॉडल, हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको हमने उसकी लाइंस के मदद से जो सा है वो स्टडी कर लिया। तो ये आप याद रखें कि लाइमन फॉर वन इसका मतलब है कि हायर ऑर्बिट से जब वन में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस, बाल्मर फॉर टू के हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज द कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर। ऑफ द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो फोटॉन्स आपके पास निकल रहे हैं आपके स्पेक्ट्रम में उनकी हमने यहाँ पर वेव नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो हम सपोज करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन था एन टू के अंदर, इसने जंप किया एन टू से एन वन के अंदर, तो हम इसकी वेवलेंथ और वेव नंबर जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वो किस उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है। तो लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रॉन विच जंप्स फ्रॉम एन टू टू एन वन। अब क्या होगा, हम अगर आप बोहर की एनर्जी की इक्वेशन याद करें तो एनर्जी की इक्वेशन थी ई इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई फोर डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर। अब मेरे पास दो केसेस हैं एन वन एंड एन टू, तो अगर मैं ई वन फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा ई वन के लिए ये हो जाएगा एन वन, और सिमिलरली E2 के लिए मेरे पास जो एनर्जी की इक्वेशन होगी वो होगी माइनस जेड स्क्वायर ई फोर एम डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट एन टू का स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ई वन के लिए एन वन और ई टू के लिए एन टू, मुझे चाहिए डेल्टा ई एनर्जी का जो डिफरेंस है वो होगा ई टू माइनस ई वन। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाली सारी जो सी वैल्यू है वो आ जाएगी कॉमन जेड एम ई फोर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी वो होगा एन वन का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू का स्क्वायर। चूँकि इनके दरमियान माइनस साइन है तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन वन का स्क्वायर जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा ई की जो सी है इक्वेशन आ गई, डेल्टा ई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम ई फोर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर वन ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू का
स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज अगर आप देखें तो ये सारा का सारा फैक्टर जो है कांस्टेंट है, जैसे कि हम एनर्जी की इक्वेशन में पढ़ के आए थे। इसकी जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू भी जो है वो वही आएगी 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जाउल इंटू 1 ओवर एन वन का स्केयर माइनस 1 ओवर एन टू का स्केयर। ये आ गई आपके पास डेल्टा ई की इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसने जंप किया है 2 से 1 के अंदर। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है वेव नंबर, वेव नंबर जो के रिप्रेजेंट करते थे इससे। तो अब हम उस तरफ जाएंगे, डेल्टा ई प्लैंक्स इक्वेशन क्या कहती थी, प्लैंक्स इक्वेशन ये कहती थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी दिस वी, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी। इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एच वी इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज, एच वी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम ई फोर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर 1 ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि हम जो केस स्टडी कर रहे हैं वो किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जेड होता है 1, तो ये वैल्यू जो सी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो जो एच वी इज इक्वल टू एम ई फोर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब निकालूंगा तो ये एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू एम ई फोर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये एच स्क्वायर पहले था, ये एच नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी एच क्यूब एंड 1 ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू का स्क्वायर। ये अब जो चीज़ आई मेरे पास ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेवलेंथ जो कि एन टू से जंप करेगा जब इलेक्ट्रॉन एन वन में, तो जो एनर्जी निकलेगी जो फोटोन निकलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मुझे इस फॉर्मूले से मिलेगी। तो ये हमारे पास फार्मूला आया फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आपको पता हैं कि वो होते हैं हर्ट्ज, एच जेड 1 हर्ट्ज, और ये होता है 1 साइकिल पर सेकंड। तो कितने साइकिल पर सेकंड होगा वो हमारे पास जो सी है वो उसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी से जो है हम निकालेंगे अपना वेव नंबर जो कि हमारा मकसद है इस डेरिवेशन को पढ़ने का। अब इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो ये इक्वेशन है थी आपके पास एम ई फोर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू का स्क्वायर। अब आपको अगर याद हो तो हम पीछे जब प्लैंक्स इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू द सी इनटू वेव नंबर। ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ से आया, ये इस तरीके से आया कि आपके पास जो सी वेलोसिटी होती है वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये जनरल इक्वेशन होती है आपके पास वेव की। इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, रेडिएशन के केस में वी हो जाता है सी, और ये जो वैल्यू होती है ये हो जाती है ये और ये लैम्डा। अब अगर मैं इसको इधर ही रहने दूँ तो ये हो जाएगा सी ओवर लैम्डा,
और 1 ओवर लैम्डा जो होता है वो आपका वेव नंबर होता है. इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इस इक्वेशन को यूं लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं है. और ये 1 ओवर लैम्डा जो होता है वो आपके पास वेव नंबर होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी इज़ इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर. तो अब v इज़ इक्वल टू c इंटू वेव नंबर होता है, तो मैं इसकी वैल्यू जो है उठा के इधर पुट कर दूंगा इसकी जगह, और बाकी इक्वेशन सारी की सारी जो है मेरे पास वो आ जाएगी m e 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब 1 ओवर n 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n 2 का स्केयर. यहाँ पर अगर आप देखें तो c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये भी कांस्टेंट है. तो अब अगर c को मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास वेव नंबर की इक्वेशन आ जाएगी, जिसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे थे. तो v बार या वेव नंबर जो है इसका इक्वेशन बनेगी m e 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n 2 का स्केयर. तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है फॉर हाइड्रोजन एटम. अब हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट्स की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे इस इक्वेशन में. जो ये वाला फैक्टर है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्केयर एच क्यूब इंटू सी, इसमें जो ये सारी वैल्यूज़ हैं दिस इज़ कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट, मैथ कांस्टेंट है, ई उसका चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट है, 8 तो ऐसे कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, एच एंड सी स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट. जब इन सारी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो होगी 1.09678 इंटू 10^7 साथ में वही वाला फैक्टर आपका n1 का स्केयर माइनस n2 का स्केयर. और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर इनवर्स. क्यों मीटर इनवर्स, के वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा, लैम्डा के यूनिट मीटर थे तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स होगा. अब ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है हमारे पास, इन सारी चीज़ों को जब हम पुट करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो होगी ये. इसको वो नाम देता है राइजबर्ग कांस्टेंट का. ये आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू और इसका नाम. वेव नंबर की इक्वेशन में जब इस सारी चीज़ों की कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट की तो आंसर जो आया 1.09678 इंटू 10^7 दिस इज़ कॉल्ड दी राइडबर्ग कांस्टेंट. अब इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए हैं, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफेंट सीरीज, तमाम की तमाम सीरीज को जिन से वैल्यूज़ हैं एन वन और एन टू, दिस इज टू, तो यहाँ पर पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास वेव नंबर जो है वो क्या निकल रहा है. आपकी बुक में लाइमन सीरीज की और बामर सीरीज़ की जौनसी हैं निकाली गई हैं, और इसी तरह आप किसी भी सीरीज़ की जौनसी हैं वो निकाल लेते हैं. तो हम भी लेमन सीरीज़ की यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. लेमन सीरीज़, अब आपको पता है लेमन सीरीज़ के अंदर जो लोअर ऑर्बिट है वो हमेशा वन रहना है, ये रेफरेंस है, और एन टू जो है वो चेंज होगा. ये फॉर एग्ज़ाम्पल केस वन के अंदर एन वन तो वन ही रहना है लेमन सीरीज़ में. हम कहते हैं जी सेकंड जौन सा है एन टू जो है वो नंबर दो नंबर है जो ऑर्बिट है, नंबर दो ऑर्बिट से नंबर वन में जब वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो हम उसका वेव नंबर फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से. 1.09678 इंटू 10^7 इंटू 1 ओवर n1 का स्केयर था तो ये हो जाएगा 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n2 का स्केयर तो 2 का स्केयर. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 82.26 इंटू 10^5 मीटर इनवर्स. अब हम चलते हैं
वी बार अपने केस नंबर टू की तरफ। केस नंबर टू में लाइमन सीरीज में हमेशा एन वन तो वन ही रहेगा, एन टू जो है अब थ्री हो गया है। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा 1.09678 इंटू 10^7, दिस इज़ पॉजिटिव 7। ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू में 10^7 है पॉजिटिव वाला। 1/1 का स्केयर माइनस 1/3 का स्केयर। तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो होगा 97.49 × 10^5 मीटर इनवर्स। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइमन सीरीज की लाइन तो देगा, वो वन के अंदर आके ड्रॉप होगा, लेकिन जो एन टू है उसका वो इन्फिनिटी है, वो किसी ऑर्बिट से बिलोंग नहीं कर रहा, वो बाहर है। तो उस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटू 10^7 मल्टीप्लाई बाय 1/1 का स्केयर माइनस 1/ इन्फिनिटी का स्केयर। तो ये वाली टर्म जो सी है ये हो जाएगी ज़ीरो। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 109.678 × 10^5 की शक्ल में ही आ जाएगा। तो दिस इज़ दी डिफरेंट वेव नंबर्स फॉर द डिफरेंट सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस विद इन लाइमन सीरीज। इसी तरह से हम अगर बामर सीरीज को देखें तो बामर सीरीज के अंदर आपका जो रेफरेंस है जो कि लोअर ऑर्बिट है जिसको हम N1 का नाम देते हैं वो 2 है। और अब इसके अंदर जो आके गिरेंगे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो हायर ऑर्बिट से करेगा, तो N2 इस पहले केस में 3 होगा। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे वेव नंबर तो उसके आंसर आपके पास निकलते आएंगे 1/N1 का स्केयर 2 का स्केयर माइनस N2 का स्केयर 3 है वो उसका स्केयर। तो आपके पास वैल्यू जोन सी है वो आती जाएगी। सिमिलरली जो है आप अगर जब केस 2 को हम देखें तो N1 तो 2 ही रहना है बामर सीरीज में, लेकिन जो N2 है वो अब बढ़ता जाएगा, दिस इज 4। तो ये आ जाएगा 1.09678 × 10^7 1/N2 को तो 2 ही रहेगा, N1 2 ही रहेगा और N2 अब इस केस में 4 हो चुका है। तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो होगा 20 × 10^5 मीटर इनवर्स। सिमिलरली जब मैं लिमिटिंग लाइन का लेता हूँ, लिमिटिंग लाइन का मतलब है जो आखिरी लाइन है जिसके अंदर N2 जो है वो इन्फिनिटी है, तो V बार इज इक्वल टू 1.09678 × 10^7 1/2 का स्केयर माइनस 1/∞ का स्केयर। सिमिलरली ये टर्म ज़ीरो, तो आप को सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा समथिंग लाइक दिस। तो ये सारा जो था, इसी तरह से हम जो उनसा है पाश्चन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज के लिए भी जो है वेव नंबर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो जो है आपके पास सेम रहेगी 1.09678 × 10^7 1/N1 का स्केयर माइनस पर N2 का स्केयर, जहाँ पे N1 हमेशा लोअर ऑर्बिट रहेगा और वो उस सीरीज की करेक्टरिस्टिक होगी। अगर पास्टन है तो N1 3 रहेगा, ब्रैकेट है तो 4 और फंड है तो 5, और सिमिलरली N2 जो है वो हायर ऑर्बिट के तौर पर इस्तेमाल होगा और आपके पास तमाम के तमाम वेव नंबर जो से हैं आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या क्या कुछ किया। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा कि वो कैसे बना, फिर हमने उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस देखी, स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने डिफरेंट सीरीज का नाम दिया, फिर हमने डेरिवेशन की फॉर वेव नंबर और फिर हमने वेव नंबर की कैलकुलेशंस भी की, कैलकुलेशंस ऑफ वेव नंबर फॉर लाइमन सीरीज एंड बामर
सीरीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस टॉपिक में स्टडी की हैं। इसके बाद हमारा बोहर का जो एरिया है इस चैप्टर का वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बोहर से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से डिफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।